परसेंट प्लस ऑलमोस्ट इल्तिमास है सामीन के लिए ये वजह हैरत भी हो कि मारूफ रोजनामा ग्रेटर कश्मीर के चीफ अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं डॉक्टर साहब हमारे इलाके के रिलीज हुई उसका नाम है त्राल द लैंड लीजेंड्स एंड लैंडमार्क्स। ये असल में आईने त्राल जो त्राल पर 1400 साल तारीख लिखी गई है ये मुकम्मल और मुदन्न किताब है तारीख के एतबार से। इसमें छठी सदी ईस्वी से 2020 तक जितने भी डाटा है त्राल के मतलब को सारा कलमबद्ध किया गया है। असल में इसमें जो जितने भी तारीखी किताबें लिखी गई हैं और जिनमें त्राल का जिक्र है मसलन त्राल का पहले नाम होल्दा था उसके बाद पारगन उलर था और उसके बाद हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने तीन दाल में इसको ख़रीदा है तो उसका नाम त्राल पड़ गया। तो त्राल में जितने भी देहात हैं 81 देहात हैं और इसकी बाकी जो पतियाँ हैं वो तकरीबन साव देहात बनते हैं। इन साव देहात का तफसील से जिक्र है चाहे इसका वजह तस्मिया है लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है ऐसा समंदर से बुलंदी है और तारीखी एतबार से जो इसकी आबादी है और इसके महल के नाम है उसके तजारत है और इसके जो मसाजिद हैं मंदिर हैं या इसके चश्मे हैं या इसके जो शख्सियात हैं हर गांव के और पूरे इलाके त्राल के। इसके अलावा जितनी भी तारीखी किताबें हैं उनमें जो त्राल का जिक्र है उसका तफसील से इसमें जिक्र है। इसके अलावा जो शख्सियात हैं एक तो दीनी शख्सियात हैं शव श्राइन उसका तफसील से जिक्र है। उसके अलावा 180 सफ़ात इसमें हैं जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं जिसमें तकरीबन 381 मस्जिदों के फोटोग्राफ्स हैं 28 गुरुद्वारों के फोटोग्राफ्स हैं 12 मंदिरों के फोटोग्राफ्स हैं इसी तरह 7 झीलों के फोटोग्राफ्स हैं 15 केव्स के फोटोग्राफ्स हैं इसी तरह 100 श्राइन्स के फोटोग्राफ्स हैं 100 स्प्रिंग्स के फोटोग्राफ्स हैं गोया त्राल में तकरीबन 400 स्प्रिंग्स हैं उसमें 100 स्प्रिंग्स के फोटोग्राफ इसी तरह सौ शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ महकमों में हैं हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है त्राल का वो इसमें तकरीबन तफसील से जिक्र है जिसमें मीडिया पर्सन भी हैं चाहे वो इस मीडिया पर्सन के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के जितने भी अहम पर्सनलिटीज़ हैं उनकी सवानियात भी इसमें आई है। इसके अलावा जो मदारस हैं और तारीखी एतबार से पुरानी जो स्कूल हैं इसी तरह पीर पंचाल रेंज है या इसमें जो सेहत अफजा मकाम है ट्राउट मछली पालन प्रोग्राम है या बाकी दीगर प्रोग्राम है वो सब इसमें तफसील से जिक्र है। आज इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो आज रिलीज़ हुआ है और इंग्लिश वर्जन में और पहले जो पहला वर्जन था आईने त्राल उसमें तकरीबन 8 लाख रुपये खर्च हो गए इस वक्त मैंने 3.5 लाख रुपये इस पर खर्च कर गए और ये सरके जारिया है मेरी तरफ से तकरीबन आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं तकरीबन 40-45 की किताबें वो सारी छोटी बड़ी सारी सदके जारिया हैं मेरी तरफ से इस इदारे के लिए और इस इदारे की जो आमदनी है किताबों की आमदनी है वो इसी इदारे को जाती है जहाँ पर ये बच्चे और यतीम बच्चे पढ़ते हैं और उनको सुबह शाम हम इबादत की कॉलेज हैं चाहे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में या दीगर जगहों पर वो अक्सर बेशतर ये कहते थे कि हमें इंग्लिश में भी ये वर्शन अवेलेबल होना चाहिए तो उस वजह से ये इंग्लिश में क्योंकि उर्दू लैंग्वेज अब काफ़ी कम ही लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश वजह से जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर तो वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि उनको इंग्लिश में भी अवेलेबल होनी चाहिए। सर मैसेज क्या रहेगी टू द यूथ ऑफ त्राल नो डियर त्राल दे शुड रीड एक तो मैसेज है त्राल तो एक त्राल एक अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नियामत पैदा की है जिसको हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह ने 3 लाल से ख़रीदा है और इसको तमाम बुजुर्गानी दीन अलिया इक्राम जितने भी हैं उन्होंने उसको तरजीह दिया है त्राल को। ये तालीमी एतबार से भी दीनी एतबार से भी अखलाकी एतबार से भी और मुस्लिम और सिख और हिंदू में जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है यहाँ पर उसके एतबार से भी काफ़ी मशहूर रहा है और इसमें जो इसकी झलक भी नज़र आ रही है इसमें इस किताब में क्योंकि इसमें मुसलमानों का भी जिक्र है हिंदुओं का जिक्र है सिखों का भी जिक्र है।